कि हादसे वाले गांव में रेस्क्यू बहुत मुश्किल है। पहाड़ी पर होने की वजह से जो मशीनें हैं रेस्क्यू के लिए ले जाई जाती हैं, जिनकी मदद से जल्द राहत और बचाव का काम चलता है, वो नहीं पहुंच पा रही वहां तक मशीनें। हेलीकॉप्टर का पहुंचना भी मुश्किल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जरूर मौके पर मौजूद है और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि वहां पर राहत और बचाव का काम बहुत तेज किया जाए। इन सबके बीच गृहमंत्री अमित शाह ने फोन पर पूरी जानकारी ली है। सीएम और डिप्टी सीएम ने भरोसा दिया है सभी लोगों को कि मौसम ठीक होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज कर दिया जाएगा। तो मौसम ठीक होने का इंतजार तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन अभी वहां पर हालात बड़े गंभीर बने हुए हैं। 15 से 17 घर जो है मलबे के नीचे आए हैं कि लोगों को बचाव कार्य बचाने का काम शुरू है। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ के, टीडीआरएफ के लोग हैं और जो लोकल रेस्क्यू टीम है वो भी काम कर रही है। और दो पहाड़ के बीच में ये बस्ती है और यहाँ पर कोई भी वाहन जा नहीं सकता है, गाड़ी नहीं जा सकती है, ये दिक्कत है। बारिश है और वेदर खराब है, ऐसी परिस्थिति में हमारे सब लोग रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम काम कर रही है। आइए एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूँ मृत्युंजय के पास। रायगढ़ से लगातार हमारे साथ से जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, जो दृश्य आप दिखा रहे थे, जो तस्वीरें दिखा रहे थे, वाकई में बहुत ज्यादा वो परेशान करने वाली तस्वीरें हैं कि पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया है। कई लोग जो वहां पर गए हुए थे अपने परिवार के लोगों को छोड़कर वापस आए तो देख रहे हैं कि अपने नहीं रहे। लेकिन कहा जा रहा है कि बारिश और मौसम के ठीक होने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन तब तक तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। क्या अभी भी अंदर लोग फंसे हुए हैं? अखिलेश, ऐसा नहीं है कि राहत बचाव कार्य नहीं हो पा रहा है, दरअसल कई और विकल्प भी तलाशे गए थे। उदाहरण के तौर पर सुबह मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से बात की थी और ये पूछा था कि क्या हेलीकॉप्टर की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर ऐसी दुर्गम पहाड़ियां हैं और आप देखिए ये पहाड़ी, इस पहाड़ी के पीछे तीन और इसी प्रकार की पहाड़ी है, 2 घंटे का ट्रैक है, तो आप कल्पना करिए कि और ऊपर दूसरी आप पहाड़ी के पास नजर दौड़ाएं तो वहां बहुत फॉग आपको नजर आएगा, कोहरा नजर आएगा, तो ऐसे पर तो हेलीकॉप्टर ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ये जो प्रशासन कोशिश चाहता था कि हेलीकॉप्टर से मलबा हटाने के बाद जो लोग मिलते हैं उसको रेस्क्यू किया जाए, वो मुश्किल हो रहा है। राहत बचाव कार्य जारी है, निश्चित तौर पर बीच बीच में बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है तो कीचड़ बहकर आ रहा है, तो ये जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए एहतियातन कुछ समय के लिए रोकना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है, एक बार फिर से जो कर्मचारी हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं, स्थानीय लोग हैं, साथ ही साथ मजदूरों को बुलाया गया है, वो फिर से आप नजर बनाकर रखें वहां पर, तमाम जो गतिविधियां जारी हैं, हर खबर दर्शकों तक आगे भी पहुंचाते रहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।